अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद राम भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला चल रहा है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सोमवार को पत्नी सीमा यादव और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पति पत्नी ने दंडवत होकर भगवान को प्रणाम किया। मंत्रियों ने भी राम नाम कीर्तन का गायन किया। दर्शन के बाद सीएम ने कहा, जीवन धन्य हो गया, प्रभु राम का दर्शन कई जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रसाद होता है। ऐसा लगा प्रभु श्री राम अपने रूप में साक्षात विराजमान है। यही कामना है कि भगवान राम सब पर कृपा करें, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा इसी तरह लहराती रहे। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया, प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है, और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भ गर्भ बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे, और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। इससे पहले अयोध्या पहुंचे सीएम और उनकी टीम का यहां जोरदार स्वागत किया गया। मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के सभी साथी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। राज्य शासन का उद्देश्य है कि मंदिर देवस्थान के साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बने, मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हो। अयोध्या धाम सहित प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख देवस्थानों में राज्य सरकार द्वारा धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी। दूसरे राज्यों की सरकारों को भी मध्य प्रदेश स्थित देवालयों में उनके राज्य की तरफ से धर्मशालाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गौरतलब है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 80 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर चुकी है। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी और नेपाल का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आकर रामलला का दर्शन कर चुका है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।